बाढ़, सुखाड़ तथा अतिवृष्टि सहित सभी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टूटे तटबंध की मरम्मत, क्षतिग्रस्त सड़क तथा पुल पुलिया का निर्माण, फसल क्षति, कच्चे तथा पक्के आवासों का पानी में क्षतिग्रस्त होना जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार बाढ़ प्रभावितों की सहायता जिस तत्परता तथा पारदर्शिता के साथ कर रही है वह एक उदाहरण है। ये बातें सूबे के आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने मधुबनी के सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए कही। समाग लाइव के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। अतिवृष्टि के चलते पटना सहित पूरे प्रदेश में जहां जो स्थानीय स्तर पर जो भी चाहे साफ सफाई के चलते मच्छर से या और जो भी प्रभावित स्तर पर लोगों के बीच में जो बीमारियां फैली है उसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है। पटना में भी ब्लीचिंग पाउडर से लेकर सारे स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है और गांव में भी हर जगह ये जो डेंगू का जो भी मरीज है उनके लिए सरकार स्तर पर सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। अभी तक बहुत जानकारी हमको लगता है मधुबनी जिला अभी बचा हुआ, जयनगर बारे में जानकारी हुआ है। सरकार शीघ्र ही उस पर पहल कर रही है, वहाँ जो भी सुविधा सरकारी और स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर और जो लगता है हम भी तत्पर हैं कि जो वहाँ शीघ्र ही ऐसे लोगों की इलाज की व्यवस्थित सुविधा हो।